हेलो गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बता रही हूँ कि पुदीना पत्ता को लंबे समय के लिए कैसे स्टोर करें, यानी एक वीक के लिए मैं इसे स्टोर कर रही हूँ। अभी इसके लिए मैं पुदीने को धो दी हूँ, धो के इसे अच्छे से किसी टॉवल से पोंछ के, और ये देखिए सारे को मैं फोड़ के पूरा इसका जो पत्ती है मैं पूरे को तोड़ दी हूँ, और जो आपका पीला पत्ती हो गंदा सा उसे आप हटा दो, नहीं तो आपका दूसरा पत्ती भी सड़ जाएगा, इसलिए मैं इसे सारे को हटा दी हूँ। और अगर आप इसका पाउडर बनाना चाहती हैं तो आप इसे 2 मिनट माइक्रो कर दें और उसके बाद पीस के इसका पाउडर बना के आप रख सकती हैं। रायता वगैरह में डालने के लिए बहुत कुछ में पड़ता है। ये देखिए सारा मेरा पुदीना को मैं इतना सूखा हुआ है, एक बूंदी इसमें मैं नीचे नैपकिन बिछा दी हूँ और ऊपर से इसे डाल दे रही हूँ। सारी पत्ती को मैं चुन भी ली हूँ और ऊपर से इसे भी नैपकिन से अच्छे से दे दी। और इसके बाद इसका ढक्कन लगा के मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। उसी तरह से मैं ये हमारा धनिया पत्ता भी है, इसे भी मैं बहुत अच्छे से पानी हल्का गर्म पानी करके और सारे को मैं बहुत अच्छे से धो के पोंछ के और सारी पत्ती को इसके स्टेम को मैं ज़्यादा नहीं निकाली, नीचे का जो डंठल होता है उसे मैं हटा दी हूँ, बस डंठल को हटा के और सारे को मैं इसमें, ये हमारे पास थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं, फिर भी ये 2 दिन हमारा चल ही जाता है रेसिपी में डालने के लिए। इसे मैं अच्छे से, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, इसे भी आप इसी तरह ये ऑलमोस्ट 15 दिन तक आपका अच्छे से फ्रिज में स्टोर हो जाएगा। और बीच बीच में आप इसे देखते रहें और इसकी कोई पत्ती इसकी पीली तो नहीं हुई हो, ये देखिए सारे को मैं इसमें रख दी हूँ और इसी से मैं अच्छे से दोनों को मिला के चारों तरफ से मैं इसे फोल्ड कर दी और इसे ढक्कन लगा के देखिए दोनों को मैं अपने डब्बे में रख दी हूँ। और अब मैं इसे फ्रिज में रखना है और 2-3 दिन में आप इसे चेक करती रहें कि कहीं आपका पत्ती कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है। धनिया या पुदीना दोनों को आप बीच बीच में चेक करती रहें, आपका ये 15 दिन तक बिल्कुल सही रहेगा। तो आप भी हमारे इस नुस्खे को अपनाएं। थैंक यू।